इस वीडियो का उद्देश्य खेतीबाड़ी में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु संकट को हल करने में किसान की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना है। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना सुनो। कल शाम 4 बजे मुखिया जी ने पंचायत भवन पर एक बैठक बुलाई है, जिसमें बढ़ते जलवायु संकट को कम करने में हम किसानों या खेती बाड़ी की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि समय से पहुंचकर इस चर्चा में शामिल हों और उसका लाभ उठाएं। सुनो सुनो सुनो। मेरे पास मुखिया जी का फोन आया था, मैंने कह दिया कि हम सब समय से पहुंच जाएंगे। अच्छा किया, पूरी तैयारी से चलेंगे। किसानों को ये बात समझाना बहुत जरूरी है। मेरे किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि आजकल हमारी जलवायु में कितना परिवर्तन हो रहा है। इस बात पर चर्चा करने के लिए सुगंधा जी और उनके साथी आज हमारे साथ हैं। आज हम लोग इनके साथ मिलकर ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस जलवायु संकट को कम करने में हम किसानों की क्या भूमिका हो सकती है। नमस्कार, आप लोग ये बताइए कि पिछले 10 से 15 सालों के मुकाबले अभी आप लोग मौसम में क्या बदलाव महसूस करते हैं? बदलाव तो बहुत हुआ है। पहले तो गर्मी कुछ महीने रहती थी, फिर बरसात का मौसम और उसके बाद जाड़ा आ जाता था। पर अब तो गर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और बरसात का तो बस इंतजार ही करते रहो। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये सब बढ़ते जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, जिसका कोई एक या दो कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। अब जरूरी ये है कि इस संकट को हम सब पहले विस्तार से समझें और फिर उसका समाधान ढूंढें। और इसके लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि हम ये जानें कि इस जलवायु संकट को हल करने में किसानों की क्या भूमिका हो सकती है। आप लोगों को हमने इसलिए तो यहाँ बुलाया है, अब आप लोग ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इस संकट को कम करने के लिए सब लोग अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हम किसान भी इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे और इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी खेती करने के तरीकों में कुछ बदलाव लाने होंगे। सही कह रहे हैं विजय। उदाहरण के लिए फसलों की उन नई किस्मों को लगाएं जिस पर सूखे का कम प्रभाव पड़ता हो। खेती में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें। सिंचाई उचित मात्रा में करके पानी को बचाएं, सौर ऊर्जा का प्रयोग करें और बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने की कोशिश करें। इसका मतलब जलवायु संकट से निपटने के लिए हमें जागरूक होकर प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि पानी और मिट्टी को बचाने का प्रयास करना होगा। बिल्कुल, जैसे कि सिंचाई के लिए हमें ड्रिप इरिगेशन के तकनीक को अपनाना होगा, जिससे खेतों में जितनी जरूरत हो उतना ही पानी दिया जाए और पानी की बर्बादी ना हो। और आप सबको पता होना चाहिए कि ज्यादा रासायनिक खादों के प्रयोग से ग्रीन हाउस गैस की मात्रा भी बढ़ती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसलिए हमें इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और इन सबको रोकना इतना भी मुश्किल नहीं है। हम सब किसान थोड़ा थोड़ा प्रयास करके इसे आसानी से कम कर सकते हैं। मतलब कि हम लोगों को जलवायु स्मार्ट कृषि की तकनीक को अपनाना होगा। और ये कोई खास तकनीक या अभ्यास नहीं है जो मुश्किल हो, ये कृषि से संबंधित चुनौतियों को समय और जरूरत के हिसाब से ढालने की प्रक्रिया है, जिसको जलवायु अनुकूलन भी कहा जाता है। इसमें सामान्य खेतीबाड़ी के तकनीकों को शामिल किया जाता है, जैसे कि संरक्षण खेती, मतलब एक ऐसी खेती जिसमें उपज बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना और पानी का उचित इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा खेती के जोखिमों का सही तरीके से अंदाजा लगाना और उसके अनुरूप सही समय पर सही कदम उठाना, ताकि आप लोगों का कम से कम नुकसान हो। ये सारे समाधान दरअसल सिर्फ समझबूझ से खेती करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, है कि नहीं मेरे किसान भाई बहनों? आप लोगों की ये सारी बातें धीरे धीरे मुझे और मेरे गांव वालों को भी समझ में आ रही है।
हम लोग भी आज से ही जलवायु स्मार्ट खेती को अपनाने की कोशिश करेंगे और अपना तथा अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। इस जानकारी को हम सब के साथ साझा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए विचार करें कि जलवायु संकट को कम करने के लिए किन कृषि प्रथाओं और नीतियों में बदलाव की आवश्यकता होगी।